आंदोलन लेके हमने शुरू किया था 1 जून से 10 जून तक कि किसान को उसकी उचित उपज का उचित दाम दिया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके 50% लागत पे प्रॉफिट जोड़ के दिया जाए, हमारा खर्च मुक्त किया जाए किसान को। उन मांगों को लेके जो हम वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो बाजार बंद कर रहे थे, उसमें किसानों को शहीद कर दिया गया, सरकार ने गोलियां मार दी गई। उन मांगों को आगे ले जाके जाना है और जिन पुलिस अधिकारी ने या जिनने भी गलती करी है उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए। आज जो किसान के हालात हैं, बुरे हाल हो गए हैं। ये जो मोदी सरकार है, ये बड़े बड़े वायदे लोगों से किए थे, किसानों से किए थे। आज पूरे देश में, सारे देश में आज किसान आत्महत्या कर रहा है। जो पैदा करता है उसका दाम नहीं मिल रहा है। जिस समय किसान से मत लेना था तो कहा गया था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, लेकिन आज ये सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। विदेशी पूंजी को बढ़ावा देती है, गरीब के बारे में चिंता नहीं करती है, मजदूर के बारे में चिंता नहीं करती है, किसान के बारे में चिंता नहीं करती है। पूरे देश के अंदर ये सवाल उठ रहा है, सरकारें पूंजीपतियों को कर्ज माफी देती हैं और किसान जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लगातार किसान की फसल घाटे में है, खाद बीज के दाम बढ़ रहे हैं और फसल का दाम उसके अनुपात में कहीं नहीं ठहरता। किसान घाटे में जाकर आत्महत्या कर रहा है, इन आत्महत्याओं की जिम्मेदार सरकार और उसकी नीतियां हैं। हम चाहते हैं पूरे देश के किसानों को कर्ज से मुक्ति मिले और फसल के दाम को ऐसा तय किया जाए कि वो खेती भी कर सके और उससे जिंदा भी रह सके, अपने परिवार को भी पाल सके। मोदी सरकार ने चुनाव में तो वादा किया था कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जड़ी है वो लागू करेंगे, पर जब यूपी पंजाब का चुनाव जीत लिया तो अरुण जेटली ने ये बोल दिया कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते। मेरे पिता ने कुछ बरस पहले खेती की वजह से खुदकुशी कर ली, मेरे चाचा ने मुझे इस आश्रम में लाकर डाला, जिस वक्त मुझे मेरे माता पिता के सहारे की जरूरत थी वो भी भगवान ने छीन ली। छह जून के बाद मध्य प्रदेश के अंदर 54 किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। अखबारों के हिसाब से ही आत्महत्या करने के मामले में मध्य प्रदेश अब तीसरे स्थान पर आ गया है। ये दोहरा मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर संकट है और जब ये किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ, तब मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार किसानों पर उत्पीड़न कर रही है। वहाँ की सरकार की जो नीतियाँ हैं पिछले साल से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो किसानों को मिलने वाला भाव है, चाहे वो सोयाबीन का हो, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान का हो, किसान जो भी फसल पैदा करता है पिछले साल की तुलना में 50% से लेकर 70% तक उसकी जो कीमत है वो गिर गई है। किसान को MSP भी नहीं मिल रही, किसान की लूट हो रही है और इसके खिलाफ जो है कि पूरे प्रदेश का किसान वहाँ पर लड़ रहा है। किसानों पर छोटे मुकदमे डाले जा रहे हैं और किसानों को तस्कर और असामाजिक तत्व बताकर उन पर छोटे मुकदमे डालकर जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर संघर्ष को तेज करना होगा, संघर्ष के बाद के अलावा बात नहीं बनने वाली है, फिर ही उसको पीछे धकेला जा सकता है।